बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मिक्सेस कुजीन। आज मैं आप लोगों के साथ शामी निरगसी कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने मटन का कीमा लिया है 1 किलो, चने की दाल ली है 2 कप, और अनियन लिया है मीडियम साइज़ का, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदर, ज़ीरा लिया है साबुत 1 टेबल स्पून भर के, और होल गर्म मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, और ये रेड चिली होल ली है ये भी 4 से 5 अदर, और ये सुरख मिर्च ली है, सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है, और नमक लिया है। अब हम इसमें कीमे को डालेंगे। दाल हमने भिगो के रख दी थी, अब हम वो ऐड करेंगे इसमें। ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और ये प्याज अदरक वगैरह सब ऐड कर देंगे, और इसमें इतना पानी डाल के कि चने की दाल गल जाए और कीमा और चने की दाल एक साथ गल जाए। देखिए ये पकने लग गए। अब हम इसको खुश्क होने तक पकाएंगे, जब तक कि चने की दाल भी गल जाए और कीमे का पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको चॉप करेंगे चॉपर में डाल के। इसकी बिल्कुल बारीक पेस्ट बनानी है, जैसे हम शामी कबाबों की बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह आप इसकी बारीक सी पेस्ट बना लें। इस तरह बिल्कुल बारीक पेस्ट आपने बनानी है। अब इसकी हम फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए बादाम, पिस्ता, किशमिश या आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, हरा धनिया, पुदीना, बॉयल अंडे, टमाटर और हरी मिर्चें। फिलिंग आप अपनी पसंद से बनाएं, जितनी आप बनाना चाहते हैं। इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया हर चीज को। इसमें से हम थोड़ी सी फिलिंग निकाल देंगे ग्रेवी में डालने के लिए और इसकी गार्निशिंग के लिए। अब हम अपने हाथ की हथेली पर इसको इस तरह से रखेंगे, निरगसी कोफ्ते के शेप की जिस तरह होती है, उसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छी तरह आप इसकी फिलिंग की करें भर के। अब फिर थोड़ा सा कीमा लेंगे कबाबों वाला, और हम इसके ऊपर अच्छी तरह दबा के इसका हम कोफ्ता तैयार करेंगे इस तरह से। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो, और प्लीज आप इसके साइज पे कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा, इसका साइज बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आप इसकी इसी तरह अच्छी सी फिलिंग करके इसके कोफ्ते तैयार कर लें। और इसको दबा के आपने अच्छी तरह बनाना है, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी भी हाथ पे लगा सकते हैं। मैंने रखा हुआ है पानी, जो ज़रूरत होगी तो मैं पानी भी लगा लूँगी। इस तरह से आपने बना के इसको डिश में रख लेना है, और इसको आपने कढ़ाई में डाल के अंडा लगा के फ्राई करना है इस तरह। और आपने आँच इसकी तेज़ नहीं करनी, इसको गोल्डन ब्राउन तक रखना है। जब एक साइड इसकी ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। यहां से आप इसको फ्राई कर लें और इसको एक डिश में निकाल के आप रख दें। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज के 2, चॉप कर लिए हैं उसको मैंने, और टमाटर लिए हैं मैंने 6 अदर, उसकी प्यूरी बना ली है। टमाटर मेरे बड़े साइज के 6 लिए हैं, उसकी प्यूरी बनाई है, और अदरक लहसुन की पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और ये कोरिएंडर पाउडर है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, नमक आपकी टेस्ट के हिसाब से जितना आप पसंद करें, हल्दी 1 टीस्पून,
और ये जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर है, ये भी 1 टेबलस्पून भर के। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे ग्रेवी के लिए और प्याजों को अच्छा तरह फ्राई करेंगे कि इनका कच्चापन भी बिल्कुल दूर हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए। साथ ही अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह पकाएंगे कि इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। देखिए ये बिल्कुल पक चुके हैं और ऑयल भी इसका सही बाहर आ गया। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। और इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे सारे। इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छी तरह भून जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह, जैसे आपका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तब तक हम इसको भूनेंगे। जब इतना भून जाए तो हम इसके अंदर और जो हमने मसाला रखा था फिलिंग वाला वो डाल के इसको थोड़ा पकाएंगे 1/2 कप पानी के साथ, ताकि ये दोनों सारी चीजों का आपस में मिक्सर अच्छा सा तैयार हो जाए, सब चीजें एक जान हो जाए, इन ग्रेवी में फिलिंग का भी टेस्ट अच्छी तरह आ जाए। जैसे हम इसको 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। देखिए बिल्कुल तैयार है मसाला इसका। हम इसके अंदर कोफ्ते इस तरह से रख देंगे। बेशक आप डिश में डाल के ऊपर से मसाला डाल दें या आप कढ़ाई में सर्व कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसका सर्व कर सकते हैं इसको। ये हमारे नरगसी कोफ्ते तैयार हैं, आप इसको जरूर ट्राई करें। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।